माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूं आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आउटकम ऑफ दिस मॉड्यूल, एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि इस मॉड्यूल के अंत में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होते हैं उनके बारे में नॉलेज या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस की एक लिस्ट दी हुई है। हम एक एक करके ये पूरी लिस्ट पढ़ते हैं और हम इस आज के मॉड्यूल में इसमें से कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर करेंगे और बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला हम देखते हैं सर्वर एंड वर्क स्टेशन, उसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, थर्ड है मॉडेम, नेक्स्ट है वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस अडाप्टर, नेक्स्ट हब, ब्रिज, रिपीटर, स्विच, राउटर, ब्रॉडबैंड स्प्लिटर, गेटवे। इतनी सारी डिवाइसेस यहाँ पर हमने लिस्ट करके रखी हुई हैं और हम एक एक करके इन सभी डिवाइसेस का कार्य समझेंगे। सबसे पहले है वर्क सर्वर एंड वर्क स्टेशन। सर्वर, सर्वर क्या है? अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट्स ओवर अ नेटवर्क। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क पे उपस्थित बहुत सारे क्लाइंट टर्मिनल्स को अनेक प्रकार की सर्विसेज देता है, डेटा प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम्स देता है इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, द सर्वर रेस्पॉन्ड्स टू द क्वेरीज फ्रॉम द क्लाइंट टर्मिनल्स। जो सर्वर है वो सर्विस देता है, अर्थात जो नेटवर्क में क्लाइंट टर्मिनल्स जो भी क्वेरीज करते हैं उसका रेस्पॉन्स करता है सर्वर। अब सर्वर जो है उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर इत्यादि अनेक प्रकार के सर्वर्स होते हैं, है ना। और हर सर्वर का जो नाम है वो उस सर्वर्स की स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हिसाब से उस सर्वर का नाम होता है। आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और अनेक प्रकार के सर्विसेज जो होते हैं डेडिकेटेड सर्विस सर्वर्स होते हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। तो सर्वर जो है वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के लिए होता है। अब हम देखते हैं अगला वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है अ पावरफुल पीसी दैट कैन बी यूज्ड टू रन कॉम्प्लेक्स डेटाबेस प्रोग्राम्स, कैड, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस एटसेट्रा इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक पावरफुल पीसी है और एक स्टैंड अलोन पीसी है जिसमें कि बहुत सारे जो कि बहुत पावरफुल है और अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स रन कर सकता है, एनिमेशन कर सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है और कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी रन कर सकता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स रन कर सकता है। तो वर्क स्टेशन जो है वो कोई लैपटॉप हो सकता है या फिर डेस्कटॉप पीसी हो सकता है, है ना। तो कोई भी इस तरह की जो यूज़र टर्मिनल्स हैं उनको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ क्लाइंट। वर्क स्टेशन जो है वो क्लाइंट की तरह भी यूज हो सकता है। अगर वर्क स्टेशन किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है तो वो एज अ क्लाइंट जो है वो वर्क कर सकता है और किसी सर्वर से स्पेसिफिक सर्विसेज को ले सकता है, है ना। अब हम तो हमने यहाँ पर देखा सर्वर और वर्क स्टेशन क्या है। अगली स्लाइड जो है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC। तो हम देखेंगे कि NIC क्या है। फर्स्ट पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच एनेबल्स अ कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। यानी NIC एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि किसी कंप्यूटर को जब जुड़ जाता है कंप्यूटर में NIC कार्ड, तो वो कंप्यूटर किसी नेटवर्क में जुड़ने के लायक बन जाता है।
यानी कि अगर किसी भी टर्मिनल को, यूज़र टर्मिनल, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, अगर उसको इंटरनेट किसी भी नेटवर्क में अगर उसको जुड़ना है तो उसमें NIC कार्ड होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, NIC इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड इन द मदर कंप्यूटर मदर बोर्ड दैट प्रोवाइड्स डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू द कंप्यूटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NIC जो है वो एक सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है, फिट किया जाता है मदरबोर्ड पे, है ना, ताकि उस कंप्यूटर को एक किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लायक बनाया जा सके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडाप्टर और लैन अडाप्टर। ये उसके विभिन्न नाम हैं जो NIC के नाम से हमको मार्केट में उपलब्ध हैं। चौथा पॉइंट, NIC इज एंडोर्स्ड विद द मैक एड्रेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो NIC है उसके ऊपर उस नेटवर्क कार्ड का मैक एड्रेस जो है वो परमानेंटली एंडोर्स रहता है, वो उसके ऊपर हमेशा मतलब लिखा रहता है या स्टोर रहता है। मैक एड्रेस जो है वो एक परमानेंट एड्रेस है जो कि उस डिवाइस की पहचान, आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। तो जो NIC है उसके ऊपर मैक एड्रेस हमेशा सेव किया हुआ रहता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, NIC कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लैन पोर्ट ऑन द CPU। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी कंप्यूटर में NIC का कार्ड लगा है कि नहीं, तब हम उस कंप्यूटर के CPU के पीछे देखेंगे और अगर उसमें हमको लैन का पोर्ट दिखाई पड़ता है, यानी कि इथरनेट पोर्ट दिखता है, इसका मतलब कि उस CPU के अंदर जो है वो NIC कार्ड फिट है ना। अब यहाँ पर राइट साइड में हमको NIC कार्ड का एक फोटोग्राफ भी दिख रहा है और ये दिख रहा है कि ये कार्ड जो है वो CPU के अंदर स्लॉट में फिट हो जाएगा और पीछे यहाँ पर जो है एक इसका पोर्ट दिख रहा है। तो इस तरह से जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो जब किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर फिट हो जाता है तब वो कंप्यूटर या लैपटॉप नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो NIC कार्ड जो है वो उसके अंदर इनबिल्ट आता है ना, इसीलिए हम अपने मोबाइल को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडेम। मॉडेम, फर्स्ट पॉइंट, मॉडेम वर्ड इज मेड फ्रॉम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडेम का जो पहला अक्षर है MO वो मॉड्यूलेटर से लिया गया है और डैम जो है DEM वो डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। तो इन दो वर्ड्स को मिलाकर मॉडेम बनता है। तो इन दोनों वर्ड से ही ये कि जो मॉडेम है वो दो कार्य करता है, मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का। आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट इनटू सिग्नल सूटेबल फॉर अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज टेलीफोन लाइन और रेडियो, है ना। तो अब ये मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो है वो किसी कंप्यूटर डिवाइस और उसके आगे एक टेलीफोन लाइन के बीच में इंटरकनेक्टिंग डिवाइस या हार्डवेयर होता है ना। अब ये मॉडेम क्या करेगा, अब हम इसको थर्ड पॉइंट में देखते हैं, एट द ट्रांसमीटर एंड मॉडेम मॉड्यूलेट्स द कैरियर वेव सिग्नल बाय डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। तो जब ये मॉडेम ट्रांसमीटर में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर जो है वो डेटा भेजता भी है और डेटा रिसीव भी करता है, अर्थात जो है वो ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है ना। तो मॉडेम जो है वो दोनों ही कार्य करता है। जब वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन का काम करता है उस समय जो मॉडेम है वो कैरियर वेव सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा डिजिटल डेटा से, है ना, और ये मॉड्यूलेटेड कैरियर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर आगे नेटवर्क पर प्रसारित कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एट द रिसीवर एंड मॉडेम डीमॉड्यूलेट्स कैरियर वेव सिग्नल टू रीजनरेट ट्रांसमिटेड डेटा डिजिटल इंफॉर्मेशन। यानी कि जब रिसीवर के एंड में जब मॉडेम कार्य करता है तो वो जो इंटरनेट से प्राप्त उसको जो कैरियर वेव सिग्नल मिल रहा है, मतलब मॉड्यूलेटेड कैरियर को वो रिसीव कर रहा है मॉडेम, और उसके बाद उस कैरियर वेव को वो डीमॉड्यूलेट करेगा और उसमें से वो कैरियर को अलग कर देगा और डिजिटल इंफॉर्मेशन को अलग कर देगा और डिजिटल इंफॉर्मेशन इस तरह से रीजनरेट हो जाएगी,
है ना। तो हम देखते हैं कि मॉडम जो है वो दोनों काम कर रहा है, मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का, यानी कि जो डिजिटल डेटा है वो जब टेलीफोन लाइन पर या वाईफाई में जब जाता है सिग्नल, तो वो मॉड्यूलेट होके जाता है सिग्नल, है ना, और कैरियर वेव रहती है जो कि मॉड्यूलेट होती है ना। तो इस तरह से जो मॉडम है वो बहुत ही उपयोगी डिवाइस है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, मॉडेम्स आर स्पेसिफाइड बाय, मॉडेम की स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डेटा रेट, यानी कि किस डेटा रेट पर मॉडेम कार्य कर रहा है उसके हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। सेकंड पॉइंट, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड, यानी कि उस मॉडेम में किस प्रकार का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हो रहा है, यानी कि ASK मॉड्यूलेशन है कि FSK मॉड्यूलेशन है या फिर PSK मॉड्यूलेशन है या कोई अन्य मॉड्यूलेशन है ना। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ कैरियर सिग्नल, मतलब कि वो मॉड्यूलेशन जो जो मॉडेम है उसमें कैरियर सिग्नल कौन सा यूज हो रहा है, जैसे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कैरियर सिग्नल है या फिर उसमें ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल है ना। तो इस तरह से कैरियर सिग्नल के हिसाब से भी मॉडेम्स अलग अलग जो है वो होते हैं। चौथा पॉइंट, फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है, मतलब कि जो मॉडेम है उसमें जो डेटा आ रहा है और जा रहा है ना, दोनों चीज़ हो रही है मॉडेम में। तो डेटा अगर आना और जाना दोनों काम एक साथ अगर हो जाते हैं तो हम उसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, और अगर डेटा सेंड करे उसके बाद फिर डेटा रिसीव करे फिर सेंड करे फिर रिसीव करे, यानी कि अलग अलग टाइम पर अगर ये दोनों कार्य हो रहे हैं तो उसको हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से मॉडेम जो है उसके स्पेसिफिकेशंस जो है हमने अभी पढ़े। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडेम। टाइप्स ऑफ मॉडेम मार्केट में क्या क्या नाम से मॉडेम्स अवेलेबल हैं। पहला है डायल अप मॉडेम और दूसरा है DSL मॉडेम। अब हम इन दोनों मॉडेम्स को पढ़ेंगे एक एक करके। ये देखिए डायल अप मॉडेम, डायल अप मॉडेम जो है, फर्स्ट पॉइंट, पहले हम यहाँ इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, है ना। तो या फिर हम पहले इसको, इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में देखिए सबसे पहले एक PC यानी कि कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डायल अप मॉडेम लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक टेलीफोन लगा हुआ है सीरीज में, है ना, और यहाँ पर एक टेलीफोन लाइन है जो कि हमारे ऑफिस में या हमारे घर पर जो है वो बाहर से आती है। फिर टेलीफोन एक्सचेंज है, और टेलीफोन एक्सचेंज के बाद जो है पूरा इंटरनेट नेटवर्क है ना। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1, डायल अप मॉडेम वॉज यूज अराउंड ईयर 2000 एंड इट इज ऑब्सोलीट नाउ। डायल अप मॉडेम जो है वो लगभग ईयर 2000 के आसपास बहुत प्रयोग किया जाता था, और अभी ये इसका प्रयोग बंद हो गया है, ये ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डेटा स्पीड ऑफ 56 KBPS। तो ये जो डायल अप मॉडेम होता था, है ना, ये 56 KBPS की डेटा स्पीड देता था। अब हम सोचेंगे 56 KBPS तो बहुत ही कम स्पीड होती है ना। तो सही में, क्योंकि आजकल हम मेगा बिट्स पर सेकेंड पर स्पीड प्राप्त करते हैं, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉडेम है डायल अप मॉडेम, ये इतनी ही स्पीड पर कार्य करता था, क्योंकि ये बहुत 2000 ईयर में यूज़ किया जाता था और उस समय ये नया नया डायल अप मॉडेम जो है वो स्टार्ट हुआ था। पॉइंट नंबर 3, इट यूजेस PSTN टेलीफोन लाइन टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि जो PSTN यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि लैंडलाइन नेटवर्क, लैंडलाइन नेटवर्क पर हम जो है लैंडलाइन टेलीफोन यूज़ करते हैं, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें PSTN एक्सचेंज से एक टेलीफोन लाइन हमारे घर या ऑफिस में आती है ना। तो इसी लाइन में इस डायल अप मॉडेम को लगा कर जो है हम डेटा सर्विसेज को भी प्राप्त कर सकते थे, है ना। फोर्थ पॉइंट, इट यूजेस वॉइस चैनल ऑफ PSTN टू कैरी डेटा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो वॉइस चैनल, जो PSTN की वॉइस चैनल होती है, जो कि 0 से 4 KHz की होती है, जिस पर हम बात करते हैं, इसी वॉइस चैनल पर जो है डेटा भी डाउनलोड और अपलोड किया जाता है थ्रू द डायल अप मॉडेम। यानी कि डायल अप मॉडेम जो है वो PSTN नेटवर्क का वॉइस चैनल जो कि 0 से 4 KHz का होता है उसी को यूज़ करता है डेटा के लिए, है ना। और पांचवा पॉइंट हम देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
कि यूजर कैन आइदर टॉक ऑन द टेलीफोन और यूज इट फॉर डेटा। तो डायल अप मॉडेम की एक जो कॉन्स्टेंट था, एक उसमें जो लिमिटेशन है, वो ये है कि उसमें या तो हम वॉइस में यानी बात कर सकते हैं या फिर हम उस पर डेटा सर्विस ले सकते हैं। मतलब कि एट अ टाइम डायल अप मॉडेम जो है वो एक ही काम करता है, या फिर उससे फ़ोन पे बात कर लो और या फिर उससे इंटरनेट एक्सेस करके कोई डेटा सर्विस ले लो। दोनों काम ये एक साथ नहीं करता था। तो ये चूँकि बहुत ही पुराना मॉडेम है इसलिए उसमें इस तरह का कार्य होता था। अब हम जो है आगे देखते हैं जो जो मॉडेम आजकल यूज़ किए जाते हैं वो मॉडेम क्या है। आजकल जो यूज़ होते हैं वो मॉडेम कहलाते हैं DSL मॉडेम। तो DSL मॉडेम का हम यहाँ पर फिगर देखते हैं, है ना। फिगर फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PC है यानी कि अपना कंप्यूटर है। कंप्यूटर पे यहाँ पर एक DSL मॉडेम लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, और नीचे टेलीफोन लगा हुआ है। अब DSL मॉडेम और टेलीफोन दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं अक्रॉस द स्प्लिटर, ठीक है ना। ये स्प्लिटर है। तो स्प्लिटर के बाद फिर यहाँ पर टेलीफोन लाइन आई हुई है और फिर टेलीफोन एक्सचेंज है और फिर नेटवर्क है। तो हम देखते हैं कि जो लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से हमारे घर या ऑफिस में आ रही है वो पहले स्प्लिटर में जाती है। स्प्लिटर के बाद वो लाइन दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक लाइन मॉडेम में चली जाती है और एक लाइन जो है टेलीफोन में चली जाती है। और उसके बाद DSL मॉडेम जो है वो PC से कनेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स, इसकी कार्य पद्धति समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, DSL मॉडेम इज कॉमनली यूज नाउअडेज। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज होता है DSL मॉडेम। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डाउनलोड स्पीड अप टू 10 Mbps, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो हमको DSL मॉडेम से मिल जाती है, इतनी हाई स्पीड मिलती है। थर्ड पॉइंट, इट यूजेस सेपरेट चैनल अदर देन वॉइस चैनल टू कैरी डेटा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर वॉइस के लिए अलग चैनल है और डेटा के लिए अलग चैनल है, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटर यूज़ किया गया है तो ये स्प्लिटर जो है वो डेटा के लिए अलग बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है और वॉइस के लिए अलग बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, है ना। अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट यूजेस PSTN टेलीफोन लाइन टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। ये तो हम देख चुके हैं कि PSTN की टेलीफोन लाइन ही जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, यूजर कैन टॉक एंड एक्सेस इंटरनेट साइमल्टेनियसली। मतलब जो यूज़र है अब वो दोनों काम एक साथ कर सकता है, यानी कि वो टेलीफोन पे बात भी कर सकता है और साथ ही साथ वो डेटा सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है। यानी दोनों ही फंक्शंस एक साथ होते हैं DSL मॉडेम में, है ना। तो ये बात स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लें कि DSL मॉडेम जो है उसमें ये खासियत है कि वो दोनों ही फंक्शंस एक साथ कर सकता है, वॉइस कॉल और डेटा सर्विस। अब सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं हम, बैंड स्प्लिटर डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ टेलीफोन मीडियम इनटू लो पास बैंड फॉर वॉइस एंड बैंड पास फॉर डेटा। तो ये जो स्प्लिटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये ही एक्चुअली बैंडविड्थ को, टेलीफोन की जो बैंडविड्थ है बहुत वाइड बैंडविड्थ है, उसको डिवाइड कर रहा है। एक बैंड जो है वो वॉइस के लिए है जो कि लो पास बैंड है, और दूसरा बैंड पास है जो कि डेटा के लिए है। आगे हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे अपने फिगर में, देखते हैं अपन। तो अब हम समझेंगे नेक्स्ट फिगर में कि ये जो बैंडविड्थ है वो कैसी है, है ना। यहाँ पर देखिए DSL के बैंड्स दिखा रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं जो बैंड स्प्लिटर ने बैंड्स अलग अलग बनाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेके 4 kHz वो बैंड जो है वो वॉइस के लिए है, है ना, सिर्फ उसमें वॉइस सिग्नल जाता है। और जो दूसरा बैंड है जो 25 से लेकर 138 kHz का बैंड है वो अपस्ट्रीम के लिए है, यानी कि डेटा को अपलोड करने के लिए है। और उसके बाद 138 किलोहर्ट्ज़ से 1104 किलोहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो जो है डेटा डाउनलोड के लिए है। तो हम देखते हैं कि डेटा डाउनलोड के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है, क्योंकि यूज़र्स जो है वो ज़्यादातर डेटा को डाउनलोड करते हैं। और अपलोड के लिए कम बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है, क्योंकि जो यूज़र है वो अपलोड कम करता है और डाउनलोड ज़्यादा करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपना वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस अडाप्टर कार्ड, ठीक है।
तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है और वायरलेस अडाप्टर कार्ड क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज अ बेस स्टेशन विच इज यूज टू एस्टेब्लिश वाईफाई लैन। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दो डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो वाईफाई लैन यानी वायरलेस लैन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वायरलेस लैन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और बहुत ईजी होती है यूज़ करने के लिए। तो हमको वायरलेस अगर अपने लैन को बनाना है तो हमको ये दो डिवाइसेस यूज़ करना पड़ेगा। पहला नाम है वायरलेस एक्सेस पॉइंट और दूसरा है वायरलेस अडाप्टर कार्ड। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज बेस स्टेशन विच इज़ यूज टू एस्टेब्लिश वाईफाई लैन। ठीक है, ये एक बेस स्टेशन है यानी कि सेंटर पॉइंट है ना वाईफाई लैन बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, ऑल वाईफाई एनेबल्ड यूजर टर्मिनल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द वेब। तो जितने भी टर्मिनल्स यूजर टर्मिनल्स जो है वो उस वाईफाई लैन में हैं वो सब इस वेब के माध्यम से ही, इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड पॉइंट, द कवरेज एरिया ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रांसमिट पावर। यानी कि जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमने लगाया हुआ है उसका कितना पावर है ना, उसके वॉटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना एरिया कवर करता है। तो नॉर्मली ये 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट के होते हैं और जो एरिया कवर होता है वो 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर, 100 मीटर तक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ट्रांसमिट पावर कितना है। फोर्थ पॉइंट, VWAP कैन बी कनेक्टेड इन वायर्ड लैन टू प्रोवाइड लार्ज कवरेज एरिया, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है ना। तो अभी आजकल हम देखते हैं कि हर जगह जो है वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है या बस टर्मिनल है या कोई ट्रैफिक का सिग्नल है कहीं पर भी, हर जगह जो है वाईफाई मिलता है हमको। तो वो वाईफाई जो है कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा लगा कर जो है उसका कवरेज एरिया बढ़ाया जाता है और बड़े कवरेज एरिया को जो है वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं वायरलेस अडाप्टर कार्ड। तो वायरलेस अडाप्टर कार्ड इज कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू USB पोर्ट टू यूजर टर्मिनल टू मेक इट वाईफाई एनेबल्ड, है ना। अगर किसी डिवाइस को हमको वाईफाई एनेबल करना है तो हमको उसमें वायरलेस अडाप्टर कार्ड जो है वो लगाना होगा और ये वायरलेस अडाप्टर कार्ड जो है वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है ना, जो कि हम USB पोर्ट से लगा सकते हैं, है ना। और जैसे ही हम वायरलेस अडाप्टर कार्ड किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा देते हैं तो वो वाईफाई एनेबल हो जाता है। इसके अलावा जो है वायरलेस अडाप्टर कार्ड कैन ऑल्सो बी इन बिल्ट ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो इसके अलावा जो वायरलेस अडाप्टर कार्ड है वो इनबिल्ट भी आता है ना, जैसे कि आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप्स मिलते हैं या फिर या के स्मार्टफोन है उसमें वायरलेस अडाप्टर कार्ड जो है वो इनबिल्ट होता है ना, यानी कि एक्सटर्नली लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पुराना कोई सिस्टम है जिसमें कि वायरलेस अडाप्टर कार्ड नहीं लगा हुआ है तो हम उसमें एक्सटर्नली लगाकर उसको जो है वाईफाई एनेबल बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमको दिख रहा है इस तरह का, जो कि आप कहीं पर भी देख सकते हैं। अगर कोई वाईफाई एरिया है तो हमको वॉल के ऊपर ये लगा हुआ दिख जाएगा, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और ये जो है वायरलेस अडाप्टर कार्ड है ना। तो इस तरह से आज हमने, आज की क्लास में जो है हमने बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े, हमने सर्वर और वर्क स्टेशन पढ़ा, हमने मॉडेम पढ़ा, मॉडेम के डिफरेंट टाइप्स डायल अप मॉडेम और DSL मॉडेम पढ़ा, फिर हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा और फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस अडाप्टर कार्ड पढ़ा। तो मैं समझती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है इतने नेटवर्क डिवाइसेस के फंक्शंस जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे और चूंकि ये सब आजकल पूरे यूज़ होते हैं, हमेशा यूज़ होते हैं, तो आप जो है इनको पहचान सकेंगे। अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको पहचान सकते हैं। अगली क्लास में हम आगे के नेटवर्क डिवाइसेस को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।